यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोहब्बत के नाम पर फरेब की कहानी लिखने वाले लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उनके निशाने पर हैं नाबालिग लड़कियां, जिन्हें पहले अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर धर्म परिवर्तन करने के लिए करते हैं मजबूर। मोहब्बत के नाम पर फरेब, फरेबी खेल रहे घिनौना खेल। मासूमों को बना रहे निशाना। मोहब्बत के नाम पर फरेब का खेल लगातार खेला जा रहा है, लगातार मासूमों को शिकार बनाया जा रहा है। इश्क के नाम पर धोखे की इबारत लिखी जा रही है और बर्बाद की जा रही है मासूमों की जिंदगी। यूपी में अलग अलग जगह की ये दो तस्वीरें हैं जहां धोखे और फरेब की कहानी लिखने वाले धोखेबाजों ने मासूमों को शिकार बनाया और फिर रखी एक शर्त, शर्त धर्म परिवर्तन की। कानपुर तो मानो मोहब्बत के नाम पर फरेब की दुकान चलाने वालों का अड्डा बनता जा रहा है, जहां एक और मामले ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। जहां एक नाबालिग लड़की पर एक फरेबी की नजर पड़ी तो फिर शुरू किया फरेब का व्यापार, जिसमें पहले उस लड़की को अपने इश्क के जाल में फंसाता गया और जब वो मासूम पूरी तरह से उसके प्यार में पागल हो गई तो रख दी धर्म परिवर्तन की शर्त। दरअसल कानपुर के काकादेव थाना पहुंची इस मासूम ने जब इश्क के नाम पर फरेब की कहानी सुनाई तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि लगातार लव जिहाद के मामले तेजी से कानपुर में देखने को मिल रहे हैं। इस मासूम ने उस फरेबी का पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खोल कर रख दिया। दरअसल पीड़िता ने बताया कि वो जब कोचिंग आती जाती थी तो उसका एक लड़का पीछा किया करता था और जब भी मौका मिलता वो दोस्ती करने का दबाव बनाता। एक दिन मासूम ने उसकी बात मान ली। इस दौरान उस लड़के ने अपना नाम गोलू बताया, जिसके बाद दोनों मिलने लगे और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में तब्दील होती चली गई। इस दौरान उस युवक ने पीड़िता के साथ कई बार टिकटॉक वीडियो भी बनाया था, जिसमें पीड़िता के वो गले लग रहा है और उसके हाथों में कलावा बंधा हुआ है। वो पूरी तरह से हिंदू होने का दावा करते हुए पीड़िता को अपने जाल में फंसाता चला गया और फिर एक दिन उसने रख दी शर्त। दरअसल पीड़िता जब उसके प्यार में पूरी तरह डूब गई तो उस फरेबी ने पीड़िता के सामने संबंध बनाने की शर्त रख दी, लेकिन पीड़िता ने शादी से पहले किसी भी तरह की शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया और जब बात शादी की हुई तो गोलू ने पीड़िता से निकाह की बात कही। बस यहीं से खुलनी शुरू हुई उसकी पोल। तब जाकर पीड़िता को पता चला कि जिसे वो गोलू समझ रही है, जिसे वो हिंदू समझ रही है, दरअसल वो मुसलमान है। फरेबी ने निकाह के लिए पीड़िता के सामने धर्म बदलने की शर्त रखी तो पीड़िता ने साफ मना कर दिया और फिर शुरू हुआ फरेबी का खौफनाक प्लान। भैया ये दो साल डेढ़ साल हुआ, ये लड़की स्कूल जाती थी, कोचिंग पढ़ती थी, बस वहीं से मतलब इसका कोई बना ली कि दिल में छेद है, यो है वो है, और इनका अमन लाग जागरण मारे मंदिर में अमन लाग, और हाथ में कलावा बांधे और वो काको गले में भी बांधे, मेरे जाता था पहनामन भी पहनाया आया है, और यही सब करते रहा। जब ये मस्जिद ले गया कहता भी आप शादी निकाह कर ले, तो इसने कही जब मलाली ले चलेंगे तुमको पैसा देंगे, मेरे जने को मुसलमान में कहा जाता है, हाँ वो पैसा देंगे हम लोग राज करेंगे। तब इसने कही दिया कि हम निकाह नहीं करेंगे, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो जब इसने कही दिया तो इसने बोला कहना कि वो तुम्हारा मोबाइल है तो हम सब बादल कर देंगे। इसने अपने दोस्तों को, सनी के दोस्तों को सबको दे दिया, सनी पूरे में यहाँ मोबाइल दिखाते फिरते, इसकी बदनामी बेइज्जती भैया कद्दारी कुछ नहीं हुआ। दरअसल नाम और पहचान छिपाकर लगातार मासूम को इश्क के जाल में फंसाने वाले फरेबी ने पीड़िता को धमकी देना शुरू कर दिया, जिसमें टिकटॉक वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाने लगी। लेकिन जब पीड़िता शारीरिक संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन के लिए
तैयार नहीं हुई तो फरेबी के दोस्तों ने टिकटॉक वीडियो को वायरल करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही पीड़िता को लगातार रेप की धमकी दी जाने लगी। जब मैं कोचिंग जाती थी तब उसका नाम था गोलू और राज, वो मुझसे मिला था। उसने मेरे पर दोस्ती का दबाव डाला था और कुछ दिनों में उसने मुझसे दोस्ती भी कर ली थी। उसके बाद वो बोलता था कि तुम्हारे नाना नानी तुम्हें प्यार नहीं करते। उसने ये सारी बातें की, मुझसे इमोशनली ब्लैकमेल किया, फिर उसने मुझसे दोस्ती कर ली। फिर उसने एक दिन मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर मैंने जब उसके ऊपर बोला नहीं ये अभी नहीं करना है, तो उसने बोला ठीक है हम लोग शादी के बाद करेंगे। उसके बाद कुछ दिनों में उसने मुझसे कहा कि मैं निकाह करूंगा, तो मैंने कहा निकाह मतलब? तो बोलता है मैं मुसलमान हूँ और मैं तुम्हें हिंदू से मुसलमान बनकर मेरे साथ निकाह करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें घर से उठवाकर तुम्हें मुसलमान बनाकर तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। और उसने मेरे सारे वीडियो जितने भी थे उसने मुझे धमकी दी मैं तुम्हारे वीडियो वायरल कर दूंगा, और मैं अपने घर से पैसे चोरी कर करके उसको देती थी। और उसने नहीं, उसके हाथ में कलावा अलावा बंधा रहता था। वो हर मेरे बिना कहने पे वो मेरे साथ मंदिर जाता था, जागरण में आता था, मेरे घर में आना जाना किया। और उसने मतलब सबके जज्बातों के साथ खेला, किसी को ये बात नहीं पता चली कि वो मुसलमान है। जब इसकी जानकारी लोगों को हुई तो इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई। फिलहाल पुलिस ने फरेबी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं उसके दोस्तों की तलाश भी की जा रही है जो लगातार पीड़िता का वीडियो वायरल करते रहे। तो वहीं दूसरी तरफ उस फरेबी की भी तलाश की जा रही है जिसने इश्क के नाम पर धोखे की दास्तान लिखी है। इसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि एक मुस्लिम है गोलू खान, इसके द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर के प्रताड़ित किया गया, इस पर किसी के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है जिसमें विधिक निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी और विवेचना में अच्छी तरीके से करा कर कार्रवाई। इसमें गोलू उसके साथी भी हैं कुछ सनी और ये गोलू और उसके साथी हैं, सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही है। फिलहाल मासूम के जज्बातों के सहारे अपने फरेब के जाल में फंसाने वाले के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। तो वहीं धोखेबाज और उसके साथियों की तलाश पुलिस कर रही है। एक तरफ कानपुर की पुलिस उस फरेबी को ढूंढ रही है, तो वहीं बरेली में लफ्जिहाद का पहला मामला दर्ज भी हो गया। दरअसल बरेली के देवरनिया थाना इलाके में रहने वाली एक छात्रा को एक फरेबी ने अपने जाल में फंसा लिया था और फिर तरह तरह की लालच देकर उसे मोहब्बत के ख्वाब दिखाता चला गया। वो छात्रा उसके इश्क में इतनी डूब गई कि अपने परिवार वालों को एक पल में पराया कर दिया। वहीं एक साल पहले वैस नाम के फरेबी ने छात्रा का किडनैप कर लिया था। पुलिस की तत्परता से छात्रा बरामद तो हो गई, लेकिन फिर शुरू किया ओवैस ने धमकी और ब्लैकमेल करने का खेल, जिसमें लगातार पीड़िता पर उसने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। लगातार वो पीड़िता को परेशान करता रहा, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा, जिसके बाद परिवार वाले भी सहम गए। डर की वजह से अपनी बेटी का कॉलेज जाना भी बंद करा दिया। तो वही पीड़िता भी काफी डरी हुई है, जिसके बाद परिवार वालों ने फरेबी ओवैस के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। ये मामला मतलब मेरे गांव की लड़की को ये लव जिहाद के कारण बहला फुसला के भागा कर ले गया है, और इस पर अधिक उचित कार्रवाई की जाए। वो लड़की पढ़ने जाती थी, उसी समय से ये लड़का उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। एक बार भगा के भी ले गया, फिर गांव के लोगों ने इसे समझा दिया मगर नहीं मान रहा है, बदतमीजी पे चालू है, मतलब सुधर नहीं रहा है। वो तो इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, कराया था उसके पिताजी ने कराया था। वहीं पुलिस ने आरोपी ओवैस के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, साथ ही उसकी तलाश भी की जा रही है। इसके साथ ही आरोपी के परिवार वालों से लगातार पूछताछ की जा रही है। ये थाना देवरनिया क्षेत्र में एक गाँव है, तो वहाँ के व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मेरी लड़की को पास का एक लड़का जिसका नाम ओवैस है वो तंग करता है और लड़की पर दबाव बनाता है धर्मांतरण करने के लिए और शादी करने के लिए। उसने यही बताया कि पिछले साल भी इस लड़के ने मेरी लड़की का अपहरण किया था और लड़की को बम्बई ले जा रहा था, पुलिस ने बरामद की थी। तो उसकी तहरीर पर कल मुकदमा दर्ज किया गया है। कल ही उत्तर प्रदेश में ये विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2020 लागू हुआ था, उसी की धारा 3 और 5 के तहत और अन्य IPC की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार मोहब्बत के नाम पर फरेब करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इन लफ्जिहादियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मासूम और नाबालिग बच्चियों को ये निशाना बना रहे हैं और मौका मिलते ही रखते हैं धर्म परिवर्तन की शक्ति।
बरेली से अनूप मिश्रा के साथ कानपुर से प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।